हेलो दोस्तों, नमस्कार, सभी को स्वागत करता हूँ एक नया वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो टैग आप कैसे वो चूज कर सकते हैं, जो टैग आप डालने के बाद अपना वीडियो रैंक में आ जाएगा, क्योंकि आज मेरा वीडियो टैग के ऊपर ही डिपेंड करके रैंक में जाता है। तो क्यों ना आपको ही बोल दूं, जो आप नवी जो टैग यूज करेंगे वो टैग भी आप सर्च करेंगे तो आपका भी वीडियो रैंक करेगा, तो जरूर आपको रैंक करेगा। ऐसे नहीं जो आपको ओनली फॉर गूगल में रैंक करेगा, ओनली फॉर यूट्यूब में रैंक करेगा, दोनों जगह से आप रैंक करा जा सकते हैं यूट्यूब और गूगल में, क्योंकि मेरा वीडियो आज गूगल में भी रैंक करते हैं, यूट्यूब भी रैंक करते हैं। वो लाइव प्रूफ में देखा था आपका एक वीडियो में, वो वीडियो अगर नहीं देखा तो जरूर वीडियो को देख लेना है, वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए मैं क्योंकि आज कुछ दिन से लेके आपको मैं एसईओ कर रहा हूँ, ठीक है, वो क्या इस प्रकार से अपना वीडियो को रैंक में लेके जाना। मैं हर कुछ वीडियो बना रहा हूँ पार्ट पार्ट करके, अगर एसईओ कर दूं तो बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा एक वीडियो, एक घंटा दो घंटा के आसपास हो जाएगा, जो देखने के लिए काफी अच्छा नहीं लगेगा, तो बोरिंग फील करेंगे। इसके वजह से मैं पार्ट पार्ट करके बना रहा हूँ। अगर वो वीडियो सारी चीज नहीं देखा तो टाइटल कैसे लिखना है और डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है वो वीडियो का आपको देख लेना है। अगर ये सारी चीज वीडियो देखने के बाद अगर आप कोई वीडियो डालते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ जो आपका वीडियो 200% रैंक में आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, आज मेरा वीडियो रैंक में जाता है। तो मैं सभी को बोलना चाहता हूँ, अगर मेरा चैनल में नया है तो जरूर अभी से अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना है। वीडियो बहुत ही काफी इंटरेस्टिंग होने वाला, तो अभी का भी एक लाइक कर दीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं आपको साथ लाइव प्रूफ देखने वाला हूँ, जो आज टैग आपको ढूंढ के दूंगा वो टैग शायद आपको कोई तक आज तक नहीं बोला है यूट्यूब में, ठीक है। वो टैग अगर आपको लगा देंगे वीडियो में तो अपना वीडियो 100% रैंक करेगा गूगल में और यूट्यूब में। तो चलिए जान लेते हैं, बस आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप नहीं करना है, वीडियो को फुल देखना है, तो अभी जाकर आपको पता चल जाएगा। साथ हो सकता है मैं ऐसा कुछ पॉइंट बोल दूं, अगर स्किप कर देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो जरूर मैं आपका टैग और हैशटैग के बारे में आज बताने वाला हूं, जिसके ऐसे आप हैशटैग भी लगा सकते हैं अपना वीडियो के, जो हैशटैग के माध्यम से अगर वो हैशटैग क्लिक करता तो आपका वीडियो आएगा। वो सारी चीज मैं आपको पसंद बात करना लो, तो जरूर आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए मैं आगे मोबाइल सिंगापुर और अभी आप लोगों को देखा देता हूँ, जिसके ऐसे आप लोग टैग को ढूंढ सकते हैं। तो पहले क्या करना, अपना क्रोम ब्राउज़र में जाना है, ठीक है। तो क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद अपना जो भी वीडियो बनाते हैं उसी प्रकार, मान लो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ये वीडियो है जो हाउ टू टैग, हाउ टू बेस्ट राइट टैग, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, देख सकता आ गया जो हाउ टू राइट बेस्ट टैग, तो इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ। वो जैसे मैं क्लिक कर दूंगा जो हाउ टू राइट बेस्ट टैग ये आ जाएगा इस प्रकार, तो इसको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद देख सकता है जी इस जगह में आ गया एक चीज़ रिलेटेड सर्चेस, जो हाउ टू राइट टैग्स ऑन मोबाइल, ये क्या करना, जितना सारा टैग आएगा ये टैग को आपको कॉपी कर लेना पड़ेगा। कॉपी किसी को करना पड़ेगा, जो भी टैग आपको चाहिए इसके ऊपर टैप करके रखना है। वो टैप करने के बाद आप लोग इस प्रकार देख पा रहे हैं जो कॉपी लिंक टू टेक्स्ट, इस जगह क्लिक करना है। वो क्लिक करने के बाद अपना जो नोट होगा ना, नोट में चला जाना है। तो आपको इस जगह तीन फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, एक देख सकता है मैं गूगल टैग, वेबसाइट टैग, यूट्यूब टैग्स और ऑल टैग, इस प्रकार सिलेक्ट कर लिया हूँ। तो मैं गूगल से सिलेक्ट किया हूँ, इस जगह से गूगल में आ गया हूँ, और आने का इस जगह पेस्ट कर देना है, पेस्ट कर दिया। इसी प्रकार अपना जितना चाहे वो टैग ले लीजिए, मैं आपको दिखाने के लिए जल्द से जल्द मैं दो तीन टैग ले लेता हूँ। इसी प्रकार अपना जो भी मन चाहे वो टैग ले लेना, लेकिन ऐसा ध्यान रखना है अपना जो वीडियो रिलेटेड जो टैग है उसी को लेना है। ऐसा नहीं मैं वो डिस्क्रिप्शन पर वीडियो बना रहा हूँ तो मैं अलग कुछ टैग ले रहा हूँ तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। अपना वीडियो जिस पर्पज से उसी प्रकार से टैग ले लेना है, ठीक है। चाहे तो आप 10-15 जो भी टैग लेना है तो ले सकते हैं। तो चलिए अभी आपकी दूसरा प्रोसेस जो होगा, मैं जो भी टैग अभी सिलेक्ट किया हूँ उस टैग को मैं कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कि मान लो जो हाउ टू राइट टैग्स ऑन यूट्यूब मोबाइल, इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लिया हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं चला जाऊँगा जो यूट्यूब में। यूट्यूब में जाने के बाद मैं आपको जो बोल रहा हूँ, जो ये ब्राउज़र आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, जो जिस जगह में भीड आई क्यू इंस्टॉल होगा, तो मैं इस जगह यूट्यूब को ओपन कर लूँगा। यूट्यूब ओपन करने के बाद सर्च ऑप्शन में जो अभी मैं कॉपी किया हूँ उसको पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट कर देने के बाद सर्च कर लूंगा, देख सकते हैं सर्च कर दिया हूँ। सर्च करने के बाद आपको एक देखेगा साइड में आएगा बहुत सारा,
इसका स्कोर आ रहा है, तो इस जगह में देख सकते हैं और भी तीन रिलेटेड टैग दिया है जो टॉप रिलेटेड कीवर्ड्स, ठीक है, इसको भी कॉपी कर लेना, सिलेक्ट टू ऑल थ्री और कॉपी। और कॉपी करने के बाद बैग जाना है, बैग जाने के बाद अपना जो यूट्यूब टैग है ना, यूट्यूब टैग में इस प्रकार से वो डाल देना है। इसी प्रकार आपको जो भी टैग चाहिए, ठीक है, इसी प्रकार 10-12 करके टैग आप लोग ढूंढ लीजिए, ठीक है। और ढूंढने के बाद आपको क्या करना है, फिर जाकर मान लो वही टैग में आपको ढूंढना है, अभी क्या करना है आपको वेबसाइट में जाना है। कौन सा वेबसाइट में जाना है वो आपको लिंक में दे दूंगा, जो कीवर्ड टूल बोल के वेबसाइट रहते हैं उसका आपको जाना है, ठीक है। तो आपको मैं सर्च कर लेता हूँ जो कीवर्ड टूल, ठीक है, मैं आ गया हूँ जो कीवर्ड टूल। वो आने के बाद आपको क्या करना है, जो कीवर्ड टूल को जो मैं लिंक दूंगा वो आपको बार बार खुलने का जरूरत नहीं, आपको क्या करना है डेस्कटॉप साइट में करने के बाद अपना होम में उसको ऐड करने के ऑप्शन रहते हैं तो होम में ऑप्शन कर देना। जो थ्री डॉट में जाने के बाद देखना, जो थ्री डॉट देखता ना, तो जाने के बाद इस जगह में जो ऐड टू होम स्क्रीन, इस जगह में क्लिक करके इसको वेबसाइट में क्लिक कर लेना, ठीक है। मैं अब इस जगह में सर्च कर लेता हूँ, वो जो कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर देने का सर्च कर देना है, सॉरी वो गलत हो गया पूरा। देख सकते हैं मैं इस जगह में एक टैग को सर्च किया जो हाउ टू प्रॉपरली टैग योर यूट्यूब वीडियोस, तो आने के बाद इस जगह थ्री यूनिक टैग आए हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार आपको क्या कर लेना, कॉपी कर लेना है। अगर आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपका वीडियो रिलेटेड होगा तो उसको ही कॉपी करना है, वो आपको देखेगा नीचे कॉपी का ऑप्शन रहेगा, तो कॉपी करके आपको क्या करना, उसमें जाने के बाद वेबसाइट में क्लिक कर देना, ठीक है। इसी प्रकार आपको क्या करना है, हर एक टैग को जाके चूज करना है, मैं गूगल से जितना टैग लेंगे वो टैग आपको क्या करना है, यूट्यूब में जाकर सर्च करना पड़ेगा, यूट्यूब का रिलेटेड जो टैग आएगा नया नया का उसको कॉपी करके आपको पेस्ट करना है, ठीक है। और फिर जाकर वेबसाइट में जाके गूगल से जो टैग आपको कॉपी किया वही कॉपी आपको क्या करना है वेबसाइट में करना है, तो उसी रिलेटेड आपको बहुत सारा टैग दे देगा वो, ऐसे कि बार बार करके आपको क्या करना, जो जो लोग टर्म सर्च करते हैं उसी टैग आपको अगर सर्च करना है, सर्च करने के बाद उसका रिलेटेड जो आएगा वो ले लेना, जो सर्च करो वो भी लेना है। लेने के बाद आपको सारे चीज़ क्या करना, इसी प्रकार आपको ढूंढ लेना, मैं आपको दो तीन दिखा दिया हूँ। अभी क्या करना, आपका जो भी सब टैग ढूंढे हैं ये सारे को आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। जो भी टैग आप चूज किए हैं तो क्या करना, सभी को कॉपी कर लेना है। इसी प्रकार कॉपी करने के बाद आपको जो मैं दिखा दिया था जो ऑल टैग, ठीक है, तो ऑल टैग में आना है, और आने के बाद आपको क्या कर देना, इसमें पेस्ट कर देना, ठीक है। ये जो कुमार रहता है ना इसको हटा देना है, इसको हटा देना है, ठीक है। इसी प्रकार आपको क्या करना पड़ेगा, सभी से आपको कॉपी कर लेना पड़ेगा, जो वेबसाइट को कॉपी कर लें, जो यूट्यूब टैग से भी कॉपी कर लूँगा, यूट्यूब यूट्यूब से भी कॉपी करके आपको क्या करना पड़ेगा, जो ऑल टैग में जाके उसको पेस्ट कर दो, ठीक है। अभी क्या बाकी है, गूगल से बाकी है, तो गूगल से भी जाके उसको कॉपी कर लेता है। ऐसे ही आपको बहुत सारा टैग मिल जाएगा, मैं आपको दो तीन दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा टैग को डालना है, ठीक है, जाके आपको वीडियो रैंक करेगा, तो इस जगह में डाल दिया हूँ, ठीक है। तो हो गया हम लोगों को टैग ढूंढना। टैग से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टाइटल को ढूंढना है, मैं आपको दिखाया था जो टाइटल को कैसे ढूंढना है। तो आप जो जो टैग सिलेक्ट किया वो टैग को क्या करना है, आपको कॉपी करके आपको लाग दे, जो टैग रैंकिंग में जा सकता है वो टैग को कॉपी करके आपको टीप वर्ड एप्लीकेशन में जाके जो टैग एक्सप्लोर है उस जगह पेस्ट करके उसका ओवरऑल रिजल्ट देख लेना। अगर वेरी ऑल वेरी गुड आते हैं, वेरी हाई आते हैं, तो उसको आपको जरूर टैग यूज करना है। जैसे कि सर्च रिजल्ट लो है, वो कंपटीशन लो है तो दे सकते हैं, सर्च ज्यादा है लेकिन कंपटीशन कम है लेकिन ओवरऑल गुड ज्यादा है, तो उसको जरूर आपको यूज करना है। ऐसे दो तीन टैग को आपको टाइटल में यूज कर देना है, ठीक है। मैं आपको तो बोल दूं टाइटल किस प्रकार से लिखना है, और टैग भी आपको पता चल गया जो टैग आपको किस प्रकार से ढूंढना है। अगर इसी प्रकार आप टैग लगाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ 100% आपका वीडियो रैंक में जाएगा। तो अभी बात करते हैं जो हैशटैग के बारे में, तो अभी आपको लगेगा जो मैं जितना टैग लगाया हूँ
क्या सारे टैग का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो जरूर आपको डिस्क्रिप्शन में रिलेटेड टैग में जो भी टैग आप सिलेक्ट किया सारे को डाल दीजिए। लेकिन अपना जो टैग ऑप्शन रहता है टैग में, तो इतना सारा टैग आप नहीं डाल सकते हैं, उस जगह लिमिट रहता है जो 500 वाट का। तो उसी प्रकार आपको क्या करना, आपको जो टाइटल में डाला है टैग, ठीक है, वो टाइटल को पहले कॉपी करके आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिस्क्रिप्शन में डालना पड़ेगा। ये तो पहला काम है, इम्पोर्टेंट है, आपने जो टाइटल में डालेंगे वो जरूर आपको डिस्क्रिप्शन में, उसी टाइटल में जो टाइटल में टैग डाला है वो टैग जरूर आपको टैग ऑप्शन में डालना पड़ेगा। ये पहला चीज आपको इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आपको डिस्क्रिप्शन में जो भी टैग दिया है वो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, जो भी है आपको कॉपी कर करके क्या है उसको पेस्ट करना है। वो भी आपको देखना है, ऐसे 10 से 12 टैग उस जगह लगा देना है, ठीक है। चाहे तो आप अपना डिस्क्रिप्शन से भी रैंक कर सकते हैं, मैं तो आपको बोल दिया हूँ लाइव वर्क प्रूफ के साथ कल दिखाया हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी जान लेते हैं जो हैशटैग को हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, हैशटैग किस प्रकार से यूज करना चाहिए, वो हैशटैग हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जानते हैं जो आजकल क्या होता है ना, हैशटैग बहुत दिन से चल रहा है हर जगह में, यूट्यूब बोलो, फेसबुक बोलो, ट्विटर बोलो, वो हेलो बोलो, जो भी सोशल मीडिया सभी जगह में हैशटैग के बारे में बहुत चर्चा चल रहा है, सभी लोग हैशटैग यूज करते हैं। लेकिन हैशटैग यूज करने का लोगों को सही मतलब नहीं होता है, वो सही पता नहीं होता है। तो हैशटैग का मतलब होता है आप जो वीडियो बनाए हैं, जैसे मान लो मैं वीडियो बनाए हूं जो यूट्यूब टैग कैसे लिखे, ठीक है, यूट्यूब टैग कैसे लिखे, इसी प्रकार आगे मार के वही हैशटैग में यूज करता हूं जो हाउ टू यूज यूट्यूब टैग, वो टैग लगा के उसको लिख दिया हूं, तो उस टैग में लोग क्लिक करके उसका रिलेटेड जो वीडियो है वो आएगा। लेकिन अगर मैं आपको यूनिक प्रोसेस बोलने वाला हूं, अगर आप भी चाहते हैं जो अपना जो हैशटैग लगाते हैं वो हैशटैग क्लिक करने के बाद उसी रिलेटेड तो वीडियो आएगा, साथ ही साथ क्या अपना भी वीडियो आ सकते हैं, वो आपको मैं जरूर बताने वाला हूं। तो वीडियो को चलिए देखते हैं, तो चलिए मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और देख लेते हैं जो कैसे आप लोग यूनिक हैशटैग को यूज कर सकते हैं, जो हैशटैग में दूसरा वीडियो आएगा और साथ ही साथ आपका वीडियो भी रैंक करेगा। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और देख लेते हैं। चलिए मैं आ गया मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और देख लेते हैं जो हैशटैग को कैसे ढूंढना है। मैं एक वेबसाइट का मदद लूंगा जो कीवर्ड टूल्स आपको जो टैग ढूंढने के लिए कोशिश किया था, वो लिंक मैं आपको जरूर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, जो पहले जो चला जाऊंगा जो कीवर्ड टूल्स को मैं ओपन कर लेता हूं, और ओपन करने के बाद इस जगह आप देख सकते हैं जो बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, जो कीवर्ड सेक्शन क्वेश्चन प्रिपरेशन हैशटैग, तो हैशटैग में पहले सिलेक्ट कर देना है। और हैशटैग सिलेक्ट करने के बाद आपको सर्च करना है, YouTube सर्च कर लिया हूं, ठीक है। तो YouTube सर्च करने के बाद देखते हैं जो क्या क्या वो रिजल्ट देता है। वो देख सकते हैं जैसे मैं YouTube सर्च कर लिया हूँ, सर्च करने के बाद देख सकते हैं 198 वो यूनिक हैशटैग दिया है। तो इस जगह से अपना जो मनपसंद चाहे अपना वीडियो रिलेटेड वो टैग को आपको चूज कर लेना। जैसे कि मान लो मैं टैग के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ तो देखना पड़ेगा जो YouTube टिप्स में सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और बहुत सारा है टैग जिस जगह से आपको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको सारे प्रोसेस बोल देता हूँ। चलिए मैं आपको क्या करता हूँ ना, जो YouTube टिप्स को या YouTube चैनल YouTube टिप्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। वो कॉपी करने के बाद फिर मैं चला जाऊँगा जो नोटपैड में, और नोटपैड में जाने के बाद इसी जगह में मान लो इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं पेस्ट कर दिया हूँ, और पेस्ट करने के बाद आपको बोलता हूँ जो यूनिक टैग आपको किस प्रकार से ढूंढना है, ठीक है। यूनिक टैग अगर आपको लगाना है जो आपको चाहे जो अपना वीडियो भी रैंक करे, तो आपको मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ। अभी क्या करना है, जो आपको जो टैग सिलेक्ट किया इसको आपको कॉपी कर लेना है, ठीक है। वो कॉपी करने के बाद अपना जो होम यूट्यूब है ना, जो यूट्यूब में चला जाना है, अपना जो खुद का यूट्यूब ऐप्स होता है उसमें चला जाना है। वो आने का क्या करना है, जो सर्च में जाना है, सर्च में जाने के बाद वो जो अभी कॉपी किया ना उसको पेस्ट कर देना है। वो पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना ना, इस जगह में एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो अगर आपका वीडियो भी जा सकता है रैंक में, तो आपको क्या करना, जो आप हैशटैग ढूंढ रहे हैं वो हैशटैग में कितना वीडियो आ रहा है वो सारी चीज़ आपको देखना पड़ेगा। वो देख सकते हैं इसका कॉम्पिटिशन कितना है, इस प्रकार से आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आपको उस हैशटैग में ज़्यादा कंपटीशन है तो उस हैशटैग मत लगाइए, मेरा ओपिनियन यही है। शायद हो सकता है आपको वीडियो रैंक में नहीं करेगा। इसी प्रकार आपको बहुत सारे हैशटैग को ढूंढ लेना है उसी वेबसाइट में जाके, और ढूंढ के क्या करना पड़ेगा, उस हैशटैग को आपको वीडियो रिलेटेड हैशटैग लगाना है, ऐसे नहीं जो अलग हैशटैग लगा दिया, उसका वीडियो रिलेटेड हैशटैग डाल के आपको ढूंढना पड़ेगा। और ढूंढने के बाद यूट्यूब में आने के बाद उसको देखना है जो कंपटीशन कितना है, वो ज़्यादा है तो उस हैशटैग को मत यूज़ कीजिए, क्योंकि उस हैशटैग में शायद आपका वीडियो नहीं आ सकता है। इसी प्रकार नहीं तो आपको खुद का हैशटैग भी आप लगा सकता है, इस जगह में यूट्यूब टिप्स या ट्रिक्स ऐसे लगाना है। लेकिन हैशटैग लिखने का सही तरीका, इसके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कोई आपको कोमा चिन्ह या जिज्ञास चिन्ह ऐसे नहीं बैठना चाहिए। वो हैशटैग लिखने का बहुत तरीका होता है, आपको जरूर यूट्यूब में देख लेना है। इसी प्रकार अगर हैशटैग लिखेंगे
तो आपको जरूर वीडियो वो रैंक करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर आपको पसंद आया है। और ठीक है, मैं जितना प्रोसेस बोला उसी प्रकार अगर आप हैशटैग या टैग डालते हैं तो आपका वीडियो जरूर 100% रैंक में आएगा ही आएगा। मैं 100% उम्मीद करके आपको बोलता हूँ, ठीक है, उसी प्रकार आपको डालना है। और साथ ही साथ मैं कल आपको एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ जो कैसे वीडियो का अपलोड करें, अपलोड करने का सही प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि बहुत सारा यूट्यूबर क्या करता है ना, गलत तरीका से यूट्यूब को अपलोड करता है जिस वजह से उसको वीडियो रैंक में नहीं करता है। वो सारी चीज मैं कल बात करने वाला हूँ, जरूर वीडियो को देख लेना, क्योंकि मैं एक सीरीज चला रहा हूँ, उस सीरीज का सारे वीडियो देख के बाद आप वीडियो डालते हैं तो जरूर अपना वीडियो जरूर रैंक करेगा, क्योंकि कोई माइकल लाल नहीं आपको रुक सकता वीडियो रैंक करने के लिए, क्योंकि मेरा वीडियो आज रैंक कर रहा है भाई, आपका वीडियो रैंक। तो वीडियो अगर लाइक नहीं किया तो जरूर अभी से अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बता देना जो आपका वीडियो रैंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर रैंक कर रहा है तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको लेकर आऊंगा, क्योंकि शायद ऐसे टिक्स आपको कोई नहीं बोल रहा है, आपको मैं सारे चीज जानकारी लाइव के साथ देता हूं। तो जरूर मेरा चैनल में आइए, आने के बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के।